युवा साथियों, अभी कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से मुलाकात करके आए, क्योंकि सितंबर में होने वाली सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट और अक्टूबर में होने वाली कृषि प्रेक्षक, संगणक, इन भर्ती परीक्षाओं की क्या युवा बेरोजगार जो इंतजार कर रहे हैं, क्या ये परीक्षा सही समय पर हो पाएंगी? फाइवमैन वनरक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां और बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैंने ज्वाइन किया, मैं पूरा सिस्टम समझ रहा हूं। सबसे अच्छी बात है कि चेयरमैन खुद 9:30-10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाते हैं और उसमें बदलाव ये मिला कि वहां के कर्मचारी भी अब समय पे आने लगे, क्योंकि चेयरमैन पहले पूछ जाएगा तो कर्मचारी को भी सही समय पे आना पड़ेगा। ये एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिला जब हम गए होता। लेकिन साथियों, उन्होंने एक बात और कही है, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि मैं बहुत पहले ऐलान कर चुका हूं कि 13 जनवरी को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नया अध्यक्ष आ जाएगा और अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस भी रुक जाएगा। अब अपने पास क्या बचा? अगस्त और सितंबर। तो अगस्त लगभग निकल चुका है, बचा एक महीना सितंबर, तब तक मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। तो एक चीज अच्छी निकली कि मैं भी चाहता था कि राजस्थान का युवा बेरोजगार परेशान दुखी नहीं हो, उस चीज को कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है और माना भी है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा सिस्टम स्थापित करेंगे जो हम लोग अपडेट देते रहेंगे कि विज्ञप्ति कब जारी हो सकती है, परिणाम कब जारी हो सकता है और एग्जाम कब हो सकती है, ऐसे वो सिस्टम स्थापित करने की बात करें। और ये सराहनीय कदम होगा यदि ऐसा किया जाता है, क्योंकि बेरोजगार परेशान होता है मेरा परिणाम कब आएगा, विज्ञप्ति कब जारी होगी और ज्वाइनिंग के लिए हमारी अभिशंसा कब भिजवाई जाएगी, जो और भी जो परीक्षाएं समय पे होंगी कि नहीं होगी, इन सबको लेकर वो चिंतित रहता है। फिर वो धरना प्रदर्शन के लिए, ज्ञापन के लिए वहां जाता है। तो धरना प्रदर्शन, इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा और युवाओं को सही समय पर अवगत हो जाएगा। उसी प्रकार वो तैयारी कर पाएगा कि मेरी एग्जाम कब है, उसी प्रकार वो इंतजार कर पाएगा मेरा परिणाम कब आएगा और फिर मेरी विज्ञप्ति कब निकलेगी। ये चीजें, ये ऐसा सिस्टम स्थापित करते हैं तो युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथियों, जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक जो सितंबर में होने वाले थे, उनके संबंध में बात रखी कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि साहब एग्जाम सितंबर में नहीं होगा। मैंने भी कहा सितंबर में, बोले सितंबर में तो नहीं होगा, लेकिन जल्द ही हम भर्तियों का कैलेंडर, इन भर्तियों का दोबारा से भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द जारी कर देंगे। मैंने कहा 15 गुना का भी नहीं हो रहा, बोले क्या वो अभ्यर्थी तैयारी जारी रखे। मैंने कहा सब 15 गुना का आएगा तभी तो तैयारी जारी रखेंगे। तो साथियों, मैंने पहले भी कहा था सितंबर में नहीं होगी, संभावना अक्टूबर में हो सकती है, लेकिन अब चेयरमैन साहब का कहना है कि जल्दी इस संबंध में वो कैलेंडर जारी कर देंगे, निर्देश जारी कर देंगे। तो साथियों, सितंबर में तो नहीं होगी, लेकिन निर्देश का इंतजार आप भी करें कि जो सितंबर में होने वाली सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटिंग, उसके बाद संगणक, कृषि, इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर जल्द आपको अपडेट मिलेगा, कैलेंडर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। फायरमैन भर्ती के लिए पहले सचिव साहब कह चुके थे इस वीक में परिणाम जारी होगा, विज्ञप्ति के नियमों के अनुसार जारी होगा, तो इस वीक में कभी भी जारी हो सकता है। ये आपको देखने को मिलेगा कि अचानक परिणाम जारी होगा जो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कभी परिणाम जारी हो सकता है। वहीं अध्यापक भर्ती के लिए हमें कहा है कि हम तेज गति से लग रहे हैं, 24 तक हम कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, जो अध्यापक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको विशेष मैं कह दूं कि 24, मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि हम साहब 25 तारीख को आएंगे, यदि हमारा काम हो गया तो हम आपका स्वागत करेंगे, यदि काम हो गया तो। क्योंकि साथियों, आप लोगों से मैं पुनः अपील कर रहा हूँ, 25 तारीख को हमें अधिक से अधिक संख्या में इसलिए पहुंचना है, यदि हमारा 24 तारीख को परिणाम जारी हो गया तो डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड से बीकानेर पहुंच जाए और आपके जिला उन्नयन के नियुक्ति आदेश हो जाए, और नहीं होता है तो 25 तारीख को हम अपनी संख्या के बलबूते या संख्या के तहत हम निवेदन करेंगे उन लोगों से। साथियों, आपको उदाहरण देना चाहूंगा, पीटीआई भर्ती का 16 तारीख को एक लेटर आया था बीकानेर निदेशालय से कि हमें 115 लोगों के संबंध में उन्होंने जानकारी मांगी थी, लेकिन वो लेटर आज जाने की संभावना है, अभी तक नहीं गया। आप देख लीजिए, तो 6-7 दिन उसमें लग रहे हैं, तो आप देख लीजिए 21,000 का डेटा पूछाने में कितना समय लगेगा। इसलिए 24 को परिणाम आ भी जाए तो 25 तारीख को आपको आना है, धन्यवाद देकर अपनी इस मांग को पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तत्काल डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड बीकानेर को भेजिए और वही मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे, मीडिया में आवाज उठाएंगे, सब परिणाम तो जारी हो गया, तत्काल जिला आवंटन करके और नियुक्ति आदेश जारी करें। मैं आपको बता दूं, डेटा पहुंचाने के लिए और मीडिया के सामने हमें नियुक्ति की मांग मजबूती से रखनी है, इसलिए 25 तारीख को सुबह 10 बजे लेवल 1 के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में आना है। वहीं लेवल 2 के अभ्यर्थियों से भी अपील है, क्योंकि इनका काम समाप्त होने के बाद आपका ही काम तेज गति से शुरू होगा और आचार संहिता में आपकी भर्ती नहीं हुई, इसलिए तमाम अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी 25 तारीख को सुबह 10 बजे पहुंचे। हम दोनों जो परिवार 48,000 का, हम मिलकर क्या कोशिश करेंगे, लेवल 1 का डॉक्यूमेंट वहां पहुंचे, परिणाम जारी होकर तत्काल जारी मिले और आपकी तेज गति से कार्य हो, चाहे अतिरिक्त टीम लगानी पड़े, आचार संहिता में आपकी भर्ती ना अटके। इसलिए साथियों, 25 तारीख लेवल 1 लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण है, सुबह 10 बजे पहुंचना है। काम हो गया तो धन्यवाद देकर डेटा भेजने की मांग करेंगे, काम नहीं होगा तो परिणाम के लिए करेंगे, क्योंकि हम आश्वासन पे नहीं रह सकते, एक एक दिन हम सबके लिए भारी पड़ रहा है। 3 अगस्त को आप आए, उससे अतिरिक्त टीम लगी और उसका आपको बहुत फायदा हुआ, सब
तीन तारीख को आ पाए उसको बड़ा फायदा होगा, तो अब 25 तारीख हो गया, 25 तारीख को आपके सपनों को पूरा करने वाला दिन होगा। तो लेवल 1 लेवल 2 के अभ्यर्थियों से विशेष अपील है, पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं अपडेट इसलिए नहीं दूं, मैं अचानक आप लोगों को अपडेट दूंगा। वही नई भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं कि पहले अध्यक्ष की इंतजार कर रहे थे, पशु परिचय नई भर्ती की विज्ञप्ति की मांग करते, उसके लिए वन रक्षक में थोड़ा समय लगेगा, परिणाम के लिए कि वन रक्षक में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर जारी करने को प्राथमिकता में ले रखा है, पीटीआई भर्ती का मामला प्राथमिकता में ले रखा है, अध्यापक भर्ती का प्राथमिकता लेकर और फायरमैन भर्ती का मामला प्राथमिकता से ले रखा है। तो साथियों जितना मुझसे हुआ चेयरमैन साहब से बात करने के बाद लगे कि वहां वो चिंतित है और समय पर सारा काम करना चाहते हैं, क्योंकि समय हर किसी को लगता है, यदि वो अध्यक्ष बन गए तो वो सिस्टम को समझने में समय लगेगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं यदि वो युवाओं को एक बड़ी सुविधा देते तो बेहतरीन कार्य होगा, क्योंकि मैं भी कुछ दिन बाद बेरोजगार महासंघ से विदा हो जाऊंगा, तो कम से कम युवाओं को भटकना नहीं पड़े, समय पर उनको स्थितियों को पता चले कि परिणाम कब जारी होगा, विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम कब होगा, उनको पता लगना चाहिए। तो साथियों तमाम चीजों को लेकर आपके सामने मैं रख चुका हूं, पीटीआई भर्ती के लिए रख चुका हूं, अध्यापक भर्ती के लिए रख चुका हूं, फायरमैन के लिए रख चुका हूं, वन रक्षक का रख चुका हूं, नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर की मांग कर रहे हैं, और साथ में नई भर्तियों की विज्ञप्तियों की मांग कर रहे हैं। अच्छे चेयरमैन से अच्छी मुलाकात हुई, उम्मीद करता हूं कि जल्द वो एक्शन आएंगे और जल्द परिणाम भी जारी करेंगे, युवाओं के साथ भी न्याय करेंगे। तो सबसे मेरी अपील है 25 तारीख को अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 के अभ्यर्थियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपने सपनों को साकार करने में अहम योगदान निभाए। धन्यवाद।